पवित्रा पुनिया सदाई शुक्ला के लिए कपड़े उतारने को तैयार होती नजर आई और पवित्रा पुनिया ने BB14 के एक टास्क के लिए सदाई शुक्ला के आगे शर्ट खोल दी। ऐसी खबरें सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा देखने को मिल रही हैं, क्योंकि पवित्रा जिस तरह टास्क को बेहतर बनाने के लिए सदाई शुक्ला के आगे शर्ट उतारती नजर आई उससे फैंस नापसंद कर रहे हैं। बहरहाल मुद्दा तब का है जब घर की फ्रेशर फीमेल कंटेस्टेंट्स को सिद्धार्थ शुक्ला को इम्प्रेस करने का टास्क दिया गया और सिद्धार्थ शुक्ला के हाथों अपनी बॉडी पर टैटू बनवाने को कहा गया। टास्क के चलते घर की बाकी फीमेल कंटेस्टेंट ने भी टैटू बनवाए, पर पवित्रा पुनिया का यह अनोखा अंदाज न सिर्फ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है बल्कि बिग बॉस फॉलो करने वाले सभी यूजर्स को काफी ज्यादा बेहुदा भी लग रहा है। दरअसल पवित्रा पुनिया सबसे पहले सिद्धार्थ शुक्ला के पास जाती हैं और उनसे एक टैटू बनाने को कहती हैं, जिस पर सिद्धार्थ उनसे पूछते हैं कि आपको किस तरह का टैटू ज्यादा पसंद है। इस पर पवित्रा जवाब देती हैं कि मुझे फूल पत्ती और जानवरों के टैटू काफी पसंद हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि मतलब आपको वाइल्ड चीजें ज्यादा पसंद हैं। इसके बाद दोनों एक छिपकली का टैटू सिलेक्ट करते हैं और पवित्रा कहती हैं कि मैं पहले इसे अपनी जांग पर बनवाना ज्यादा बेहतर समझ रही थी, पर अब मैं इस टैटू को अपनी कमर की साइड में बनवाने वाली हूँ। इसके बाद ही पवित्रा अपनी शर्ट के बटन खोलती नजर आती हैं और सिद्धार्थ शुक्ला को इम्प्रेस करने के लिए वाइल्ड हैंडसम और सॉलिड पर्सनैलिटी वाला बंदा बताती नजर आती हैं। बता दें सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स का कहना है कि पवित्रा सिंपली अपनी शर्ट थोड़ी ऊपर करके भी इस जगह टैटू बनवा सकती थी जहां उन्होंने अपनी शर्ट ओपन करके बनवाया है। वहीं कोई पवित्रा पुनिया को लेकर लिख रहा है कि ये पवित्रा तो सारे अपवित्र काम कर रही है। वेल, पवित्रा निक्की और जैस्मिन ने कमर पर टैटू बनवाया और रुबीना दिलेक ने पैर पर, लेकिन सारा गुरपाल ने हाथ पर टैटू बनवाया और वो इस टास्क को हार गईं, जिसके एक वजह ये भी थी कि सारा गुरपाल ने ऑनेस्टली सिद्धार्थ को ये बता दिया कि इतनी जल्दी वो किसी के साथ ओपन नहीं हो सकती हैं और इस तरह के ओपन होकर वो किसी के साथ कम्फर्ट फील नहीं करती हैं। वेल, पवित्रा पुनिया ने जिस तरह अपने टास्क को कम्प्लीट किया उस पर आपकी पवित्रा को क्या एडवाइस है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें।